ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, रियलमी 13 सीरीज 29 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। इसका टीजर पेज ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। इस वीडियो में हम रियलमी 13 प्लस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इस फोन से रिलेटेड जितने भी लीक एंड रूमर्स आ रहे हैं, सारे के सारे डिटेल में बताने वाला हूं। इतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस फोन से रिलेटेड ए टू जेड बताने वाला हूं। दोस्तों, फर्स्ट बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की बात करें तो वही रियलमी का टिपिकल डिजाइन देखने को मिलने वाला है। बैक में आपको सर्कल शेप कैमरा होने वाला है जिसमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप रहेगा और नीचे की तरफ आपको रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और वही फ्रंट में आपको फ्लैट स्क्रीन इस बार देखने को मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फ्लैट 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमुलेट डिस्प्ले रहने वाला है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। पंच होल डिस्प्ले रहने वाला है जो कि काफी अच्छी बात है। वाटर ड्रॉप नॉच या वी शेप या यू शेप कैमरा आता था, पर्सनली बताऊं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 इनर्जी चिपसेट देखने को मिलने वाला है। इनर्जी मींस पावर एफिशिएंस होने वाला है। 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है जिसका एंटूटो स्कोर 750,000 के अप्रोक्स आता है, तो मल्टीटास्किंग आराम से कर पाओगे। कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और बीजीएमआई जैसे गेम 90 FPS पर प्ले कर पाओगे। दोस्तों, इसमें 6050 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिलेगा, यानी आप हेवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग करते हो तो हीटिंग इशू नहीं आने वाली है और बीजीएमआई जैसे गेम आप लंबे समय तक खेल पाओगे। इस फोन में आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलेगा, UFS 2.2 होगा या UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है। ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। एक और चीज दोस्तों, नॉर्मली आप सभी फोन में 12 GB तक वर्चुअल रैम को एक्सपेंड कर पाते थे, लेकिन इस फोन में 14 GB तक आप वर्चुअल रैम को एक्सपेंड कर पाओगे जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरा की बात करें तो 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा विथ OISK सपोर्ट के साथ और ये सोनी LYT 600 सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। और 2 MP का माइक्रो लेंस रहने वाला है और तीसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड हो सकता है। ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। और वहीं पे आपको फ्रंट में 16 MP का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। बैक कैमरा से आप 4K वीडियोग्राफी शूट कर पाओगे और वहीं पे फ्रंट से आपको 1080p से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पे देखने को मिलता है। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 5000mAh की बैटरी रहने वाली है जो कि 80W फास्ट चार्जर के साथ आएगा। चार्जर टाइप सी रहने वाला है और चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। इस फोन के अदर फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है, फेस अनलॉक का फीचर दिया जाएगा और लेटेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा जो कि रियल में UI 5.0 पे रन करेगा। एक चीज मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लीक एंड रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें 3.5mm जैक देखने को मिल सकता है। अब ये चीज कितना सही है और कितना गलत, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है इस फोन का प्राइस। तो बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज से स्टार्ट होगा जिसका प्राइस आपको 22,000 के प्रॉक्स देखने को मिल सकता है। 20 के भी हो सकता है, ऐसा लीक एंड रूमर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। दोस्तों, इस फोन से रिलेटेड जितने भी लीक एंड रूमर्स आ रहे थे, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।